खाना बता रही हूँ कैसे बनाई जाती है। ये मैंने एक कटोरी ठंडी मलाई ले ली है। ये मलाई सिर्फ एक या दो दिन की होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। उसमें ये मैंने एक ही कटोरी चीनी ले ली है पिसी हुई, इसको थोड़ा सा मिला लीजिए इस तरह से। अब इसको जार में डालकर देखिए फ्रेंड्स, ये व्हिप क्रीम मैंने तैयार कर ली है। बड़ी ही आसानी से सिर्फ दो चीजों से ये व्हिप क्रीम तैयार हो जाती है। अब इसमें आप कुछ भी मिला सकती हैं, वो कलर मिलाना हो तो कलर भी कर सकती हैं इसका, और ऐसे ही रखनी हो तो ऐसे ही रख सकती हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को लाइक कीजिए।